Hey guys, welcome to my channel, The Tech TV, and आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे Apple MacBook Pro की। ये मेरे पास है Apple का लेटेस्ट MacBook Pro 2022 जो आता है Apple के लेटेस्ट M2 चिपसेट के साथ। इसे मैंने Apple के प्रीमियम स्टोर से परचेज किया है, स्टोर का नाम है इन्वेंट। जब भी आप ऑफिशियल स्टोर से MacBook खरीदते हैं तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आपको मिलता है, एंड इस बैग के अंदर हमें इस कार्डबोर्ड बॉक्स में मिलता है लैपटॉप। बाकी बैग के अंदर हमें और कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ एक बिल रखा हुआ है। पैकेजिंग की बात करते हैं तो पैकेजिंग काफी अच्छी तरीके से की हुई है। बाकी बॉक्स के टॉप में आपको मिल जाती है मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल्स। यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है मार्च 2023, दैट मींस लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड मॉडल है। बॉक्स के ऊपर एमआरपी प्राइस पड़ा हुआ है 1,29,900 रुपीज। बाकी वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये लैपटॉप आफ्टर डिस्काउंट मुझे कितने का पड़ा। वैसे तो मैंने बॉक्स को स्टोर पे ही ओपन कर दिया था, बट अभी के लिए मैंने सारी चीजें वैसे ही पैक कर दी है जैसे ब्रांड न्यू कंडीशन में हमें मिलती है। यहाँ पे हमें मैकबुक मिलता है इस व्हाइट कलर के बॉक्स में। फ्रंट में आपको मैकबुक प्रो की एक फोटो मिल जाती है। बॉक्स के राइट एंड बॉक्स के लेफ्ट साइड में आपको एप्पल का लोगो मिल जाता है। टॉप में मैकबुक प्रो लिखा हुआ है एंड बॉटम में भी मैकबुक प्रो लिखा हुआ है। उसी के साथ यहाँ पे भी हमें मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल्स मिल जाती है जैसे कि हमें आउटर पैकेजिंग में मिली थी। बैक की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 13-inch मैकबुक प्रो विद एप्पल M2 चिप। यहाँ पे आपको 8GB की रैम मिल जाती है, 256GB की SSD मिल जाती है। वेरियंट्स की बात करते हैं तो 13-inch मैकबुक प्रो M2 में आपको दो वेरियंट्स मिलते हैं। पहला है 8GB रैम, 256GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 1,29,900 रुपीज, एंड दूसरा है 8GB रैम, 512GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 1,49,900 रुपीज। बाकी यहाँ पे आपको RAM एंड SSD को कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप Apple India की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। कलर की बात करते हैं तो यहाँ पे दो कलर वेरिएंट्स आते हैं, पहला है स्पेस ग्रे एंड दूसरा है सिल्वर। मेरे पास है स्पेस ग्रे वेरिएंट, तो चलिए फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ब्रांड न्यू बॉक्स में आपको दो पुल टैब स्टिकर्स लगे हुए मिल जाते हैं। तो सबसे ऊपर रखा हुआ है हमारा मैकबुक, अभी के लिए हम इसे बाहर निकालते हैं। काफी स्लीक एंड काफी सॉलिड डिजाइन है, तो अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक चार्जिंग केबल मिल जाती है, एंड यहाँ पे आती है Type-C to Type-C चार्जिंग केबल। केबल की लेंथ है अराउंड 2 मीटर। अभी के लेटेस्ट मैकबुक एयर M2 में आपको मिलती है ब्रेडेड मैक्सेफ केबल। तो अगर एप्पल को मैकबुक प्रो 13-inch में मैक्सेफ नहीं देना था तो एटलीस्ट ब्रेडेड केबल दी जानी चाहिए थी, क्योंकि अभी तक मैं ऑलरेडी मैकबुक प्रो यूज कर रहा था 2019 मॉडल, वहां पे भी हमें सेम केबल मिलती थी एंड ये केबल काफी जल्दी डैमेज होती हैं। बाकी यहाँ पे हमें एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। इसके अंदर हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें एप्पल के स्टिकर्स मिल जाते हैं। मैंने लिया है मैकबुक का स्पेस ग्रे वेरिएंट, तो मेरे पास यहाँ पे ग्रे कलर के स्टिकर्स हैं। अगर आप इसका सिल्वर कलर वेरिएंट लेंगे तो आपको सिल्वर कलर के स्टिकर्स मिलेंगे। बाकी लास्ट में रखा हुआ है ये अडैप्टर। अडैप्टर की रेटिंग की बात करते हैं तो बॉक्स के अंदर हमें मिलता है 67W का USB-C पावर अडैप्टर। बाकी ये पुराना अडैप्टर है जो मैं अभी तक यूज कर रहा था, ये मेरे मैकबुक प्रो 2019 मॉडल का है। एंड अगर इसकी रेटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता था 61W का USB-C पावर अडैप्टर। दैट मींस 2019 में आपको 61W का अडैप्टर मिलता था बॉक्स के अंदर, एंड 2023 में आपको मिलता है 67W का फास्ट चार्जर। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कि एप्पल ने अपने अडैप्टर को भी अपग्रेड किया है टाइम के साथ, एंड एप्पल को फ्यूचर में भी मैकबुक के बॉक्सेस में अडैप्टर देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिलती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड एंड आ जाते हैं अपने मैकबुक पे। सबसे पहले इन हैंड फील की बात करते हैं तो लैपटॉप हाथ में काफी सॉलिड लगता है। यहाँ पे आपको मिलती है स्टेनलेस स्टील बॉडी। डिजाइन की बात करते हैं तो काफी स्लीक डिजाइन है। ये लैपटॉप है सिर्फ 1.38 kg का। इन हैंड फील एंड लुक्स की बात करते हैं तो इस प्राइस पॉइंट में इससे अच्छा लैपटॉप आपको नहीं मिलेगा। पोर्टेबल काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा पतले हैं। लैपटॉप के फिजिकल ओवी की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको 2 Thunderbolt USB 4 पोर्ट्स मिल जाते हैं, एंड ये कोई नॉर्मल पोर्ट्स नहीं है, इनमें आपको अप टू 40 Gbps तक की ट्रांसफर स्पीड मिल जाती है। फ्रंट में आपको लेड ओपन करने के लिए एक कट मिल जाता है। राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है। बाकी अगर बॉटम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 4 रबर के सपोर्टर्स मिल जाते हैं, एंड अगर इनकी क्वालिटी की बात करते हैं तो इनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। बाकी सेंटर में मॉडल नंबर एंड डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया की ब्रांडिंग मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपको 2 कूलिंग फैंस मिल जाते हैं जो टाइम टू टाइम आपके मैकबुक के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, एंड इसकी जो लिड है वो भी काफी स्मूथली ओपन होती है, आप इसे 1-handed भी इजिली ओपन कर सकते हैं इस तरीके से।
एंड फर्स्ट टाइम ओपन करने पे ये ऑटोमेटिकली ही बूट होने लगता है। तो इस तरीके का लेआउट मिलता है आपको मैकबुक प्रो M2 में। नीचे की ओर आपको बड़ा सा ट्रैक पैड मिल जाता है, उसके ऊपर आपको कीबोर्ड मिल जाता है, यहाँ पे आपको टच बार मिल जाता है, यहाँ पे टच आईडी का बटन एंड सेंसर है, उसी के साथ यहाँ पे आपको एक ये डिस्प्ले मिल जाती है एंड उसी के साथ यहाँ पे मैकबुक प्रो की ब्रांडिंग मिल जाती है। इस मैकबुक प्रो में आपको टू साइडेड स्पीकर्स मिलते हैं, पहले जो स्पीकर के वेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं, आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे होल्स हैं, एंड दूसरे इस साइड हैं। तो दोनों ही साइड आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं एंड जिसकी वजह से जो आपको साउंड एक्सपीरियंस मिलता है वो काफी ज्यादा लाउड मिलता है। बाकी अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 13.3 इंचेस की एक रेटिना डिस्प्ले एंड ये डिस्प्ले आती है ट्रू टोन टेक्नोलॉजी के साथ। दैट मींस ये आपके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑटो एडजस्ट हो जाती है। डिस्प्ले में आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है एंड एप्पल ऐसा क्लेम करता है कि इसकी डिस्प्ले में 25% ज्यादा कलर्स हैं एक sRGB लाइट से। बाकी नो डाउट जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा अच्छी है। अभी के लिए मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो प्ले किया है। बाकी अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 8K वीडियो है। बाकी जो कलर्स वगैरह हैं वो कैमरे पे उतनी अच्छी तरीके से जस्टिफाई नहीं करते हैं, बट ओपन आईज से जो कलर्स हैं वो काफी नेचुरल एंड काफी ब्राइट लगते हैं। अगर आप में से कोई भी मैकबुक लेने की सोच रहा है तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप स्टोर पे जाइए एंड सामने से आप डिस्प्ले को देखिए एंड तब आपको आइडिया लगेगा कि डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है। बाकी अगर कीबोर्ड की बात करते हैं तो एप्पल इसे बोलता है मैजिक कीबोर्ड एंड जो कीबोर्ड की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। मेरे पुराने वाले मैकबुक में सेम ऐसा ही कीबोर्ड था एंड पिछले 3-3.5 साल से मैं उसे यूज कर रहा हूं, मुझे कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। बाकी आपको मैं एक बार इसका क्लिकिंग साउंड भी सुना देता हूं। उसी के साथ अब बात कर लेते हैं इसकी टच बार की एंड ये टच बार वन ऑफ मेजर रीजन है जिसकी वजह से मैंने मैकबुक एयर M2 नहीं लिया। मुझे ये टच बार काफी पसंद है एंड काफी फंक्शनल भी है। अभी मैंने सफारी ओपन किया है एंड आप लोग देख सकते हैं जो हमारी टच बार है वो ऑटोमेटिक ही कस्टमाइज हो गई है। यहाँ पे आपको आपके जितने भी फेवरेट्स हैं वो टैब देखने को मिल जाएंगी। अगर मुझे गूगल खोलना है तो सिर्फ मुझे यहाँ पे एक टच कर लेना है एंड यहाँ पे google.com खुल चुका है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टच बार काफी ज्यादा फंक्शनल है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, आपको इमोजी डालना है बीच में, तो इस टच बार में आपको सारी इमोजी भी देखने को मिल जाएंगी। आपको जो भी इमोजी चाहिए आप सिंपली उस पर टच कर लीजिए एंड वो ऑटोमेटिकली ही टाइप हो जाएगी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी एक मैकबुक प्रो यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में है मैकबुक प्रो 2019 जो कि आता था इंटेल पावर्ड प्रोसेसर के साथ एंड राइट हैंड साइड पे है लेटेस्ट मैकबुक प्रो जो कि आता है M2 चिपसेट के साथ। तो अगर फिजिकली बात करते हैं तो फिजिकली कोई भी डिफरेंस नहीं है। पुराने वाले में भी आपको दो पोर्ट्स मिलते थे टाइप सी एंड नए वाले में भी आपको दो पोर्ट्स मिलते हैं एंड इस साइड दोनों में ही आपको ऑडियो जैक मिलता है। पीछे की बात करते हैं तो पीछे से भी दोनों लैपटॉप सेम है। अगर एक माइनर से चेंज की बात करते हैं तो दोनों लैपटॉप्स के कीबोर्ड में एक माइनर सा चेंज है। ये वाला लेटेस्ट M2 चिप वाला मॉडल है एंड इसका कीबोर्ड आप लोग देख सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट की जो है वो छोटी है एंड जो एस्केप बटन है वो आपको ऊपर की ओर मिलता है एंड ये एक बटन है, जबकि जो टच बार है वो सिर्फ इतने में है। वहीं पे अगर पुराने वाले मैकबुक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लेफ्ट एंड राइट वाली बटन है वो काफी बड़ी आती थी, जबकि नए वाले में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गैप छोड़ दिया गया है। उसी के साथ नए वाले मैकबुक में आपको एस्केप बटन मिल जाती है, फिजिकल बटन है वहां पे, बट पुराने वाले में जो टच बार थी वो ऑल द वे जाती थी यहां तक, लेकिन नए वाले में जो ये टच बार है वो छोटी कर दी गई है एंड स्केप का अलग से एक फिजिकल बटन यहां पे दिया हुआ है। उसी के साथ जो टच आईडी वाली बटन है वो भी सेपरेट है, जबकि पुराने वाले में आप लोग देख सकते हैं जो बटन है वो उसी टच बार में अटैच्ड है। तो पर्सनली देखने में मुझे पुराने वाले का टच बार ज्यादा अच्छा लगता था एंड आपके मन में एक डाउट भी आ रहा होगा कि आपने सेम लैपटॉप क्यों ले लिया, बिकॉज डिजाइन वाइज सेम है। जो ये पुराना वाला लैपटॉप है वो अब डेड कंडीशन में है, ये मैकबुक चलते चलते ऑटोमेटिकली ही बंद हो गया था एक दिन। मैंने इसे स्टोर में दिखाया एंड वहां पे पता लगता है कि इसके मदरबोर्ड में कुछ इशू आ गया है एंड एप्पल स्टोर वाले किसी भी लैपटॉप को रिपेयर नहीं करते हैं, जो भी पार्ट खराब होता है वो सीधे उसे रिप्लेस कर देते हैं। एंड इस मैकबुक के मदरबोर्ड का प्राइस उन लोगों ने कोट किया था 50,000 रुपीज एंड जो भी नया मदरबोर्ड वो लोग डाल रहे थे उस पे सिर्फ 3 महीने की ब्रांड वारंटी दे रहे थे, तो कोई भी सेंस नहीं बनता है इस मैकबुक पे 50,000 लगाने का एंड दैट्स व्हाई मुझे ये नया मैकबुक लेना पड़ा। बाकी मैकबुक के जो मदरबोर्ड होते हैं वो आफ्टर मार्केट रिपेयर भी हो जाते हैं एंड मैंने भी कोशिश करी थी कि ये रिपेयर हो जाए, बट आफ्टर मार्केट बहुत ज्यादा स्कैम्स चलते हैं। मैंने खुद इस लैपटॉप को एक काफी बड़े आउटलेट को दिया था एंड उन्होंने बनाने की जगह इस पे और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स कर दी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपका कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट खराब होता है तो सिर्फ आप ऑफिशियल एप्पल स्टोर जाइए एंड स्पेशली अगर आपके पास मैकबुक है। मैकबुक प्रो M2 आता है 8 कोर CPU
एंड 10 कोर जीपीयू के साथ। मेरे पास है ये 8GB रैम 256GB SSD वाला मॉडल। ये मैकबुक आता है ब्लूटूथ 5.0 के साथ, वाईफाई 6 का आपको इसमें सपोर्ट मिल जाता है, एंड साथ में जो आपको ये साइड में दो टाइप सी पोर्ट मिलते हैं ये अप टू 6K एक्सटर्नल मॉनिटर्स को सपोर्ट करते हैं। बाकी एक बार हम इसकी सेटिंग्स में भी चल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैकबुक प्रो 13 इंच M2 2022 मॉडल, चिप है एप्पल की लेटेस्ट M2, मेमोरी है 8GB। मैकOS की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वेंटुरा मिलता है, वर्जन है 13.3.1। टॉप मेन्यू की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको मिल जाता है एप्पल का लोगो। यहाँ से आप डायरेक्टली अपने मैकबुक को लॉक कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं या फिर स्लीप मोड पे डाल सकते हैं। उसी के साथ आपको फाइंडर मिल जाता है, फाइल मिल जाता है, एडिट मिल जाता है, व्यू मिल जाता है, गो मिल जाता है, विंडो एंड हेल्प का भी ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाता है। बाकी राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बैटरी का साइन मिल जाता है, वाईफाई का साइन मिल जाता है, आपको कुछ सर्च करना है उसके लिए आपको आइकन मिल जाता है, एंड इस आइकन से आपका नेटवर्क मेन्यू खुल जाता है। तो यहाँ से आप अपने वाईफाई को ऑन कर सकते हैं, ब्लूटूथ को ऑन कर सकते हैं, स्क्रीन मिरर कर सकते हैं, डिस्प्ले की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले पॉज कर सकते हैं, एंड यहीं से आप एयरड्रॉप को भी यूज कर सकते हैं। उसके बगल में आपको सिरी मिल जाती है एंड राइट हैंड कॉर्नर में आपको डेट एंड टाइम देखने को मिल जाता है। बाकी अगर बैटरी की बात करते हैं तो मैं इस मैकबुक को अराउंड 1 महीने से यूज कर रहा हूँ एंड एप्पल क्लेम करता है कि इसमें आपको अप टू 20 आवर्स की बैटरी मिलती है, बट अगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो ये मैकबुक आराम से 12 से 13 घंटा चल जाता है। अगर आप हैवी एडिटिंग करते हैं, 4K वीडियोस को एडिट करते हैं, तब भी इसकी बैटरी 4 से 5 घंटे आराम से चल जाती है। तो अगर बैटरी की बात करते हैं तो मैं इस मैकबुक से काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि अभी तक जो मैं यूज कर रहा था 2019 मैकबुक प्रो, उसकी बैटरी 4 घंटे से ज्यादा नहीं चलती थी नॉर्मल यूसेज पे, एंड अगर एडिटिंग की बात करते हैं तो 1 से 1.5 घंटे में ही वो डिस्चार्ज हो जाता था। तो बैटरी के मामले में एप्पल ने ओवर द इयर्स काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैकबुक प्रो 13 इंच में आपको मिलता है एप्पल का M2 चिप जो कि लेटेस्ट चिपसेट है एप्पल का। तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस टॉप नॉच आपको मिल जाती है इसमें, एंड एप्पल ऐसा क्लेम करता है कि जो ये लेटेस्ट M2 चिप है वो 1.4 टाइम्स ज्यादा फास्टर है M1 चिप से। एंड अगर 2021 के पहले के मॉडल्स की बात करते हैं जब मैकबुक में इंटेल बेस्ड प्रोसेसर आते थे, जैसे ये मेरा मैकबुक प्रो 2019 ये आता था इंटेल बेस्ड प्रोसेसर के साथ, तो एप्पल ऐसा क्लेम करता है जो ये लेटेस्ट M2 चिप है वो 6 टाइम्स ज्यादा फास्टर है उन इंटेल बेस्ड प्रोसेसर से, एंड डेफिनेटली जो डिफरेंस है वो यूज करने में पता लगता है। पहले जो मेरा मैकबुक प्रो 2019 था वो सेम वीडियो को अराउंड 10 टू 12 मिनट्स में एडिट करता था, बट जो ये M2 चिप वाला मैकबुक है वो सेम वीडियो को अराउंड 3 टू 4 मिनट्स में एडिट कर देता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में M2 चिप डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल है। बाकी जो इसका मैजिक कीबोर्ड है उसकी बैकलाइट भी ऑटो एडजस्ट हो जाती है, बाकी अगर आप चाहें तो आप यहां से भी उसे एडजस्ट कर सकते हैं, स्क्रीन की ब्राइटनेस को भी आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं एंड वॉल्यूम को भी आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर इसके ट्रैक पैड के साइज की बात करते हैं तो साइज काफी अच्छा एंड काफी बड़ा है, एंड मैंने बहुत अलग अलग ब्रांड्स के लैपटॉप को यूज किया है एंड सबको यूज करने के बाद मुझे सबसे अच्छा जो ट्रैक पैड लगता है वो मैकबुक्स का ही लगता है। यहाँ पे आपको एकदम प्लेन ट्रैक पैड मिलता है, कोई भी आपको इसमें फिजिकल बटन्स नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपको लेफ्ट एंड राइट बटन का यूज करना है तो इस ट्रैक पैड में आपको हैप्टिक फीडबैक मिलता है। ऑल्दो यहाँ पे कोई भी फिजिकल बटन्स नहीं है, बट जब कभी भी आपको राइट एंड लेफ्ट क्लिक करना है तो आप डायरेक्टली इस ट्रैक पैड को ही प्रेस कर सकते हैं, एंड अलग अलग एप्लीकेशन में आपको इस ट्रैक पैड में वाइब्रेशन इफेक्ट भी देखने को मिलता है जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, एंड ये ट्रैक पैड आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा इनहांस कर देता है। बाकी ये ट्रैक पैड काफी सारे जेस्चर्स को भी सपोर्ट करता है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग भी सेटिंग्स में जाके उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। कुछ बेसिक जेस्चर्स की बात करते हैं तो अगर आप ट्रैक पैड के ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो एक साथ खुल जाती हैं। बाकी अगर आप इसे 2 फिंगर से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन सेंटर देखने को मिल जाता है, एंड अगर आप अपनी 4 फिंगर से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो बैकग्राउंड में जितनी भी विंडोज खुली हुई हैं वो सारी ओपन हो जाएंगी। तो इस तरीके से इसमें और भी काफी सारे जेस्चर्स हैं, आप सेटिंग्स में जाके उनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, एंड जो इसका टच आईडी है वो भी काफी इंप्रूव कर दिया गया है, काफी फास्ट एंड काफी एक्यूरेट है। जैसे ही मैं इस पे फिंगर टच करता हूँ ये तुरंत ही अनलॉक कर देता है। बाकी अगर स्पीकर्स की बात करते हैं तो स्पीकर्स की क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन जो लाउडनेस है वो मुझे अपने 2019 वाले मॉडल में ज्यादा लगती थी। नो डाउट जो इसका स्पीकर है वो भी लाउड है, बट अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको अपने 2019 वाले मॉडल से तो काफी बार मुझे ऐसा लगता है 2019 वाले मॉडल का स्पीकर थोड़ा ज्यादा लाउड था। बाकी अभी के लिए मैं आपको एक बार इसका साउंड सुना देता हूँ, वॉल्यूम को मैं एकदम फुल कर देता हूँ। We'll be right back.
बाकी जो मैकबुक्स की डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा गंदी होती है। यहाँ पे मैंने अभी इस मैकबुक में कोई भी स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया है एंड मुझे डेली बेसिस पे इसकी स्क्रीन को साफ करना पड़ता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो इसको साफ करने की, लेकिन 2 से 3 घंटे यूज करने के बाद ये ऑटोमेटिक ही गंदा हो जाता है, फिंगरप्रिंट तो इस पे काफी ज्यादा पड़ जाते हैं। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग वीडियो इसी मैकबुक प्रो M2 की। अगर आपका बजट अराउंड 1 लाख रुपीज है तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है एंड आपको टच बार एंड कूलिंग फैन नहीं चाहिए, आपका उतना ज्यादा हैवी यूसेज नहीं है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं मैकबुक एयर M2 को। वो एयर का लेटेस्ट मॉडल है एंड वहां पे आपको एक नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है एंड वो डिस्प्ले भी काफी अच्छी लगती है। बाकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो MRP प्राइस है 1,29,900 रुपीज, उसके ऊपर मुझे 5,000 का डिस्काउंट मिला HDFC के कार्ड पे। उसी के साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट ID भी लगा सकते हैं, वहां पे आपको एडिशनल 10-12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मुझे ये मैकबुक प्रो 13 इंच विद M2 चिप मिला है 1,14,000 के अराउंड। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा। बाकी अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है इस मैकबुक के रिलेटेड तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। Until then, be happy, be safe.